नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापत। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, लगातार इंटरव्यूज़ का फासला चल रहा है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की सारी स्टूडेंट्स ने आज इंटरव्यू दिया और एक टीचर्स का भी हमने अनुभव जाना, तो प्रिंसिपल का अनुभव भी जानना बहुत ज़रूरी है और इनके बिना पूरी स्कूल अधूरी है। तो चलिए, सबसे पहले मैम का स्वागत है डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के यूट्यूब चैनल पर। तो मैम, सबसे पहले बताएं कैसा लग रहा है आज हमारा वीडियो बन रहा है यूट्यूब पर? देखो, अच्छा लग रहा है। दूसरी बात कि अपनी स्कूल के बारे में बताना किसी और से, किसी और के थ्रू, ये आपने हमें मौका दिया। और वैसे अपनी स्कूल किसी पहचान की मोहताज नहीं है, इतनी पुरानी। और सुजानगढ़ में कन्याओं से संबंधित सबसे पहला विद्यालय ये था। और आज अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कूलें खुल चुकी हैं। वैसे मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ओनली गर्ल्स, ये पहली स्कूल है पूरी सुजानगढ़ के अंदर और आर्ट्स फैकल्टी के अकॉर्डिंग पहली स्कूल है, ओनली गर्ल्स की जो स्कूल है। बाकी विद्यालय हैं, मैं ये नहीं कह रही हिंदी मीडियम है, पर इंग्लिश मीडियम में अपने ये पहला विद्यालय है। मतलब इनकी CBSE बोर्ड लगती है? नहीं, है RBSE बोर्ड, पर मीडियम जो है। अच्छा। अगर बच्ची 11वीं 12वीं इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहती है, ओनली गर्ल्स स्कूल की हम बात करें, पढ़ना चाहती है, तो वो ये अपनी पहली स्कूल है पूरे सुजानगढ़ के अंदर। गवर्नमेंट, वैसे तो हिंदी मीडियम की गर्ल्स स्कूल हैं, गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं, पर अपनी जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम भी स्कूल है। हिंदी मीडियम ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम नहीं है, दोनों ही मीडियम स्कूल में है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पहली एकमात्र सुजानगढ़ में ऐसी स्कूल है जिसका नाम गांधी बालिका स्कूल है, जो अंग्रेजी माध्यम भी चला रही है और ओनली गर्ल्स यहाँ पे पढ़ती है। फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक यहाँ बॉयज़ है, आफ्टर दैट ऑल गर्ल्स यहाँ आपको मिलेगी। चलिए, इंटरव्यूज़ के थोड़े बहुत सवाल है वो हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं मैम से। तो मैम, सर्वप्रथम ये बताएं, गांधी बालिका स्कूल को शुरुआत करते हुए कितना टाइम हो चुका है और आज ये किस मुकाम पर है? देखो, वैसे तो ये जो बिल्डिंग बनी थी 1952 में बनी थी, आपने देखा होगा आज वीडियो बनाया है, तो वहाँ पर आगे एक पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि ये कब बनी थी, कैसे। 1965 से ये मान्यता के ना सरकार की मान्यता के अनुसार 1965 से 10वीं तक ये चलना शुरू हो गई थी। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए थे अपने अनुसार कि ये विद्यालय में, जो कि अपने विद्यालय में बोर्ड क्लास में अव्वल जो छात्र छात्राएं थी उनके लिए, तो 72 से 10वीं बोर्ड से इसमें 10वीं और 12वीं भी शुरू हो चुकी थी 72 से। तो कहना चाहूँ तो 1965 से ये स्कूल लगातार चल रही है। तो इस विद्यालय में इतने छात्राएं जा चुकी हैं और अभी भी ये इसी कार्य में लगी हुई हैं। और यहाँ इस विद्यालय को शुरू करने का मेन यही एक औचित्य था कि इस विद्यालय में कन्याओं को शिक्षा मिले, जिससे कि वो समाज को एक अच्छी नींव, समाज की एक अच्छी नींव रख सके, और वो आज तक कायम है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि गांधी बालिका स्कूल आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, और जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार हर दिन, हर वर्ष और हर महीने ग्रोथ टू ग्रोथ कर रही है। तो मैम, इस बार ये बताएं कि 2023-24 का क्या रिजल्ट रहा और क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? 23-24 का जो रिजल्ट है अपना, 10वीं में 97% रहे, हाईएस्ट 97% रहे। और इसके अलावा अपनी जितनी भी छात्राएं हैं, 10वीं की जितनी भी छात्राएं हैं, उनके 60% से अबव परसेंट और 100% रिजल्ट, एक भी किसी भी छात्रा की ग्रेस नहीं। केवल 10वीं की नहीं, अपनी जैसे 5वीं हैं, 8वीं हैं या 12वीं हैं, चारों कक्षाओं में ही अपना 100% रिजल्ट रहा, जिसमें किसी भी तरह से कोई त्रुटि नहीं थी। तो उसको आप चेक भी कर सकते हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि रिजल्ट बहुत शानदार है, और अगर होगा तो हम लाइव प्रूफ और लाइव फोटो भी ज़रूर लगाएंगे इंटरव्यू के बीच में। जैसा कि आपको बता रहे हैं मैम, 97% एक गांधी बालिका स्कूल में। तो मैम, स्कूल गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है? नहीं सर, पहले सेमी गवर्नमेंट थी, सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं मिलती थी,
व्यवस्थाएं नहीं, कुछ सुविधाएं जो सरकारी विद्यालय में होती थी। तो वो जब एडेड स्कूल बंद हुए उसके बाद से ये प्रॉपर सन 2000 से ये प्राइवेट स्कूल की तरह कार्य कर रही है। तो धीरे धीरे ही सफलता का जो मुकाम है वो हर छात्र छात्रा की लाइफ में आता है, सीधे ही बड़ी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैम, धीरे धीरे बच्चियों में विकास कर रहे हैं और गांधी बालिका शानदार ग्रोथ कर रही है। मैं लगातार दिखा रहा हूँ आपको कि आज गांधी बालिका स्कूल का मैनेजमेंट देखने लायक है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जो डिसिप्लिन है, जो एनवायरनमेंट है और किस प्रकार यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गांधी चौक में ये स्थित है, ज़रूर आएँ, विजिट करें। तो मैम अब ये बताएं कि आर्ट्स स्ट्रीम में बच्चों को क्या सुविधाएँ दी जा रही है और किस प्रकार आर्ट्स में बच्चियाँ आगे जा रही है और अब तक आपकी जो बच्चियाँ हैं कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अपने जो आर्ट्स में अपने दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिसमें होम साइंस है और कंप्यूटर है। इसके अलावा आपके अदर जो RAS या फिर IAS कोई भी बच्चा करना चाहे UPSC। तो हाँ, UPSC को क्रैक करना चाहे, मतलब नेशनल लेवल पे कोई भी वो एग्ज़ाम देना चाहे तो उससे संबंधित उसके क्या हैं सब्जेक्ट अपने पास हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी जो बच्चियाँ हैं अलग अलग जगह पे, अभी कुछ दिन पहले कुछ भूतपूर्व छात्राएं हमारे पास आई। छात्राएं इतनी मेरे मुझसे बहुत बड़ी एज में थी और वो आए थे ऑस्ट्रेलिया से। और पर्टिकुलर जब भी कोई आता है तो वो अपने विद्यालय से संबंधित बातचीत करते हैं तो मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखती हूँ। कभी भी कोई ऐसा मौका मिले कि जब हम कुछ ऐसा करें विद्यालय में, बड़ा तो फंक्शन करें तो उनको हम आमंत्रित कर सकें। तो बच्चियां हैं अपने अनुसार कार्य करती हैं, अनुसार मैंने बच्चों को समझाया कि ये काम करना है। और दूसरी बात, उनको ये काम करने के साथ एक और व्यवस्था करवाई जाती है जिसे हम विद्यालय काउंसिल के नाम से जानते हैं। वो काउंसिल का काम होता है अपनी कक्षा और अपने विद्यालय की जो छात्राएं हैं उनकी समस्याएं और उनको व्यवस्थित करना। और इससे वो क्या सीखती हैं, शिक्षा के अलावा दूसरों से, समाज से वो कैसे जुड़ सके, किससे कैसे व्यवहार कर सके, सामंजस्य कैसे बना सके, वो सब चीज़ें वो सीखती है साथ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि गर्ल्स को मेंटेलिटी जो होती है गर्ल्स की वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह सुधारी जा रही है और दिन ब दिन यहाँ पर हम देख रहे हैं नई नई व्यवस्थाएं, नए नए फैसिलिटीज़ और नए नए रूल्स लागू हो रहे हैं। तो मैम ने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है जो मैम ने हमें बताई कि मैम यहाँ काउंसिल की एक टीम बना रखी है और कुछ यहाँ पर मैम ने हाउस बनाया लाइक विक्ट्री हाउस, ब्रेवरी हाउस और अदर्स। तो मैम इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है और जो ये जो रूल है ये मैंने पहली बार देखा है, मैं बहुत सारे स्कूल्स में गया हूँ, इसके बारे में चर्चा हो जाए। ये है काउंसिल का मतलब है एक बच्चे को आगे आने का मौका मिले। केवल ये नहीं, उनको जब एक पूरा एक प्रोग्राम करते हैं हम, जब विद्यालय की शुरुआत होती है, कहने का मतलब जब सेशन शुरू होता है और फर्स्ट टेस्ट अपना होता है जिसे हम BPTS का नाम देते हैं, फर्स्ट टेस्ट नहीं बोलते। बच्चों से अगर पूछते हैं कि क्या होने वाला है, BPTS होने वाला है। अब उसका जब रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट के बेस पर और कुछ एक क्राइटेरिया है उसके आधार पर बच्चियों का सिलेक्शन होता है 9वीं से 12वीं। उनमें से 18 बच्चियां सेलेक्ट की जाती हैं जिसमें जो आपने अभी बताया कि हाउसेज मैंने आपको बताए थे, डायरी आपको दिखाई थी, उसके अंदर हमारे 4 हाउस हैं, विक्ट्री हाउस, ब्रेवरी हाउस, ऑनेस्टी हाउस और विजडम हाउस। इस तरह से 4 कैटेगरी मैंने डिवाइड कर दी और हर क्लास में उस 4 हाउस के अलग अलग बच्चे होते हैं। उनमें से कुछ बच्चे चुने जाते हैं किस बेस पे, डिसिप्लिन अच्छा है, बोलने की क्षमता अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, ठीक है, उसके आधार पे एक वोटिंग होती है। उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन लिए जाते हैं। इस बार भी अपनी एक काउंसिल बनी, हर बार बनती है, हर साल बनती है फर्स्ट टेस्ट के बाद। और उसका बकायदा मैंने वीडियो लगवाया हुआ है अपने खुद का ही इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, अपनी ID है स्कूल की तो उसमें आपको मिल सकता है वहाँ पे। तो उसमें वो बच्चे कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो वो हेल्प करते हैं टीचर्स की, जिसमें वो सीखते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसको समस्या है तो उसका सोल्यूशन कैसे करें, उससे जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को मेरे तक लाते हैं या टीचर तक लाते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि उन समस्याओं का वो समाधान आसानी से कर सके। इससे वो
अपने आप में कुछ व्यवहारात्मक डेवलपमेंट करते हैं, शिक्षात्मक तो करते हैं, इसके साथ व्यवहार में भी परिवर्तन आता है और उनको ये लगता है कि विद्यालय में एक अच्छा औधा मिला है तो उसका भी वो यूज़ करते हैं, उनको कुछ सीखने को मिलता है। तो धन्यवाद मैम का, जितने सवाल हमने पूछे उससे बहुत ज़्यादा ही हमें जानकारियाँ मिली है। तो मैम एक बार अंतिम तौर पर डिफेंस ब्लॉक प्रवीण की सारी ऑडियंस आपको देख रही है, तो क्या बताना चाहेंगे GPS के बारे में? GPS के बारे में ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जब से मैंने विद्यालय को यहाँ पर अपनी सेवाएं देना शुरू किया है या विद्यालय ने मेरी सेवाएं लेना शुरू किया है, तो कुछ ऐसे चीज़ें जो मैंने अलग अलग जगह से सीखी हैं उन सब चीज़ों को लागू किया। उसमें एक सबसे बड़ी बात है वो है अपने यूनिट टेस्ट जो होते हैं, जो 3 टेस्ट होते हैं और उन टेस्टों का एक पैटर्न बनाया हुआ है, उसी पैटर्न से बच्चे कार्य करते हैं। पर्टिकुलर बच्चे को प्रिंटेड पेपर देते हैं, उस पेपर में जो हमने सिलेबस डिसाइड किया है वो पहले से डिवाइड करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे पेरेंट्स भी और बच्चे भी पहले से उनका माइंड सेट होता है, तो जो प्लानिंग है उनको पहले ही दे दी जाती है और उसको एग्जीक्यूट जब करते हैं तो बच्चों का माइंड सेट रहता है। फिर जब एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो पर्टिकुलर बकायदा एक बच्चे को प्रिंटेड पेपर मिलेगा जिसको पूरी गोपनीयता से रखा जाता है, और बोर्ड क्लास है उनके लिए अलग व्यवस्था है। जैसे बोर्ड में एग्ज़ाम 80 मार्क्स का है तो उनको यूनिट टेस्ट कितने नंबर का, 40 मार्क्स का देना पड़ेगा। पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न जो बोर्ड में आता है उसी पैटर्न के आधार पर। इससे फ़ायदा उनको ये मिलता है कि एक तो उनकी स्पीड बनती है, दूसरी बात वो अभ्यस्त हो जाते हैं उस माहौल के, जिस माहौल से वो आगे जाने वाले हैं। कई बच्चों को घबराहट होती है कि बोर्ड एग्जाम होने हैं, पेरेंट्स को भी लगता शुरू से ही उनका माइंड सेट हो जाता है। तो बोर्ड में मैंने 4 साल मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ रही हूँ, उससे पहले मैं एज ए टीचर रही हूँ, तो मैंने अभी तक ये नहीं देखा, मेरा खुद का थ्योरी सब्जेक्ट था तो अभी तक मैंने किसी मेरे स्टूडेंट से नहीं सुना कि मैम मैं पेपर छोड़ के आया हूँ बोर्ड में, नहीं मैं पेपर कंप्लीट करके आया, आप कंप्लीट करके आओगे तभी आप परसेंटेज। यही बात मैं बच्चों को बोलती हूँ, मुझे आपसे ये सुनना है पेपर पूरा किया, एग्ज़ाम में पेपर कंप्लीट किया तभी हम परसेंटेज की सोच सकते हैं। तो उनका माइंडसेट कैसे करते हैं कि एग्ज़ाम में पेपर नहीं देखना है, मुझे कंप्लीट करना है इस पेपर को, तो वो माइंडसेट रहता है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं गांधी बालिका स्कूल में गर्ल्स का जो माइंडसेट है बोर्ड्स के लिए शुरू से ही, जब स्कूलें शुरू होती है तभी से बना दिया जाता है, नई नई स्टडीज, नए नए टैलेंट्स और जो नए नए रूल्स हैं वो लागू होते हैं उन पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैम यहाँ पर काउंसिल की भी एक टीम बनाई हुई है, कुछ हाउसेस बनाए हुए हैं, उसके ऊपर भी गर्ल्स से कुछ 18 बच्चियों की टीम होती है जो पूरा मैनेजमेंट हैंडल करती है, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो, चाहे प्रेयर हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में यहाँ डिवाइडेशन किया गया है और गर्ल्स को यहाँ आगे आने का एक अवसर और एक मौका मिलता है। गर्ल्स यहाँ से 12वीं पास आउट होने के बाद IAS, RAS और UPSC के सेक्टर्स में भी जाती है, गवर्नमेंट और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज गांधी बालिका स्कूल की छात्राएँ आज बड़े बड़े पद पर हैं। तो धन्यवाद, बने रहे डिफेंस ब्लॉक प्रवीण के साथ। आशा करते हैं कि सारे इंटरव्यूज़ और डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी होगी और आगे भी सालासर बाल भारती स्कूल अपकमिंग है। धन्यवाद।